मौसुल में मारे गए भारतीयों के पार्थिव शरीर लाने के लिए विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह इराक रवाना हो गए हैं। इराक जाने से पहले जी न्यूज से बातचीत में वी के सिंह ने कहा कि कल सुबह 38 भारतीयों के पार्थिव शरीर को इराक से लाया जाएगा। पहले अमृतसर, फिर कोलकाता और पटना में पार्थिव शरीर परिवार वालों को सौंपे जाएंगे। जनरल वी के सिंह आज शाम तक इराक पहुंचेंगे। कल दोपहर 12:30 बजे तक पार्थिव शरीर को अमृतसर लाया जाएगा। इराक में काम कर रहे 40 भारतीय अगवा हुए थे। एक बंदा किसी तरह बचकर लौट आया था। आतंकी संगठन ISIS ने 39 भारतीयों की हत्या कर दी थी। अब उनके पार्थिव शरीर वापस लाए जाएंगे। C-17 ग्लोब मास्टर विमान में सभी भारतीयों के शव लाए जाएंगे। इस विशालकाय विमान में 38 भारतीयों के शव को लाया जाएगा। अभी एक शव का DNA पूरी तरह मैच नहीं हो पाया है। सभी भारतीय साल 2014 में अगवा हुए थे। हाल ही में सरकार ने उनकी मौत की पुष्टि की है। हम चाहते हैं कि पूरी इज्जत के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और जो भाव हमारी विदेश मंत्री ने हमेशा दिखाया है उसके साथ हम इनको लेकर।